हमारे टीवी 11 न्यूज चैनल के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। आदाब नाजरीन, टीवी 11 के उर्दू खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद हबीब। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पहाड़ी की रोड पर मोहम्मद अब्दुल नसीम को बेरहमी से 6 से 8 लोगों ने बेरहमी और बेदर्दी से लटों से, राडों से, पत्थरों से मारकर जख्मी कर दिया था। बरोजे इतवार 25 तारीख के दिन रात के 2 बजे ये हादसा हुआ है। तफसीलात कुछ इस तरह से है। मोहम्मद अब्दुल नसीम, जिसकी उम्र बताई जाती है 20 साल है, वो अपने घर का जिम्मेदार शख्स है और सारे घर को संभालता था। वो इतवार के रोज 25 तारीख के दिन रात के 2 बजे दावत में शिरकत करके वापस रवाना हो रहा था। उसी वक्त अब्दुल नसीम को पहाड़ी की रोड पर, जो राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में, 6 से 8 लोगों की टोली ने उसे रुकाया। रुकाकर एड्रेस पूछा। एड्रेस नहीं बताने की वजह से, एड्रेस नहीं मालूम है कहने की वजह से, ये लोगों ने अब्दुल नसीम के ऊपर बेदर्दी से, बेरहमी से हमला किया है। बल्कि इसके ऊपर हमला करने के वक्त लट और राट के साथ साथ पत्थर से भी, हथियारों से और पत्थर से हमला किया है। 25 की रात को यह हादसा होने के बाद मौके वारदात मुकामी लोगों ने इसकी इत्तला मोहम्मद अब्दुल नसीम के घर वालों को और मुकामी राजेंद्र नगर पुलिस को दी थी। राजेंद्र नगर पुलिस ने मौके वारदात पर आते हुए जख्मी मोहम्मद अब्दुल नसीम को फौरी जहर इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना को शिफ्ट किया था, मगर जहर इलाज मोहम्मद अब्दुल नसीम ने 26 तारीख को शाम के वक्त अपनी आखिरी सांस छोड़ी है। अब्दुल नसीम के इंतकाल के बाद उनके घर वालों में और उनकी बस्ती में और उनके घर में और खानदान में एक मातम और मातम का मंजर नजर आया है। अब्दुल नसीम के घर वालों का कहना यह है कि पुलिस इस 6 से 8 लोग जो इनके लड़के के ऊपर हमला किए, उनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई करे। उन्होंने राजेंद्र नगर पुलिस के इंस्पेक्टर और एसीपी और साइबराबाद के कमिश्नर से अदबन गुजारिश की है कि वो अब्दुल नसीम के जो भी खातिल है उनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई करे और अब्दुल नसीम के घर वालों के साथ इंसाफ करे। नाजरीन, हम आपको बताते हैं, अक्सर राजेंद्र नगर के हाईवे रोड और पहाड़ी रोडों पर ऐसे हादसे होते जाते हैं। बरहाल राजेंद्र नगर पुलिस हो या फिर पहाड़ी पुलिस हो, ऐसी जगह पर अलर्ट होना चाहिए। रातों के टाइम पे पेट्रोलियम को बढ़ाना चाहिए क्योंकि ऐसे हादसे में इजाफा नहीं होकर कम हो सकता है। अब देखना यह चाहिए कि साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर और राजेंद्र नगर एसीपी और इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर कहां तक मोहम्मद अब्दुल नसीम उनके घर वालों को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो गए। रिपोर्टर इब्राहिम के साथ मैं सैयद हबीब, टीवी 11 हैदराबाद। 25 मार्च 2019 में एक अटेम्प्ट मर्डर केस हुआ हमारा पुलिस स्टेशन में। वो केस में नजीम बोल के बच्चा आज कल शाम पे मर गया। आज डेड बॉडी से पोस्टमार्टम करके आज उनका रिलेटिव को हैंड ओवर करें। इसमें अटेम्प्ट मर्डर से मर्डर केस को आल्टर कर दिया केस। इसमें कौन कौन है पूरा हम लोग अरेस्ट करें। अभी 6 जने हैं इसमें हमारा नॉलेज में और इंटरागेशन में, इन्वेस्टिगेशन में पूरा नाम आता है। अटैकड वाला भी इधर का सुलेमान नगर वाले हैं। अभी इंटरागेशन इन्वेस्टिगेशन चल रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं घर का कारोबार करता हूँ सब रोड पे। मेरे बच्चों को साथ साथ अपने मिल के मारे पहाड़ी जमीन पहाड़ी के दावत में जाके आ रहा था बच्चा। खिला हो गया मार के उसका सामान जो है संडे के दिन करे 3 दिन दवाखाने में एडमिट था। उसके बाद इंतकाल हो गया। आज छूनी कुछ नहीं थी मेरे बच्चे से। वो लोग वहाँ जो मारे वाले चिंतन में जिले थे, हम लोग वहाँ जो रहे थे पहाड़ी नंबर पर आके मारे आपके बच्चे को। बच्चे को आके मारे डायरेक्ट वहाँ अब्दुल नसीम है। नसीम क्या उम्र है बच्चे की आपकी? 19 साल उम्र है। 19। जो फजीम अब्दुल फजीम नसीम का जो किस्सा हुआ है, जो रात में 2 बजे इतवार के दिन ये लोग फंक्शन में जाके आ रहे थे, ये 7-8 जने पीले के वहाँ ठहरे हुए थे। बेवजह एक जने का पता पूछने के खातिर, पता नहीं बोलने के खातिर खातिलाना हमला कर दिए। स्टिकों से, गनेटों से, राडों से सर पे डाल के मार दिए साहब इसको। और ये लोग जो है स्नेचरा, चोरा, क्रिमिनल रिकॉर्ड है ये लोगों के, क्रिमिनलारा हैं साहब ये। ये लोगों के पीछे बहुत बड़ी गैंग का हाथ है और ये लोग बता रहे इनका कुछ कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ये बोल रहे। तेलंगाना हुकूमत से, हमारे राय नगर PS से, SI साहब, सर्कल साहब से हमारे को ये भरोसा है।
हक में फैसला करेंगे, न्याय करेंगे, हम न्याय पे मुतमईन रहेंगे इनके, इन्हों हमारे लिए न्याय करना साहब, हमारे साथ सर्कल साहब इस साहब कड़ी से कड़ी सज़ा होना साहब, तेलंगाना हुकूमत से हमारे को कमिश्नर साहबराबाद से यही ख्वाहिश है, हमारी यही गुजारिश है साहब, ये क्रिमिनल फिर दोबारा कभी किसी के बच्चे के साथ नहीं होना साहब, 19 साल का मासूम बच्चा हमारे दिल पे बहुत बड़ी तकलीफ है साहब, घर का जिम्मेदार बच्चा, बड़ा बच्चा वही करने वाला था, उसी से ही घर चलने वाला था साहब, नाहक तकलीफ़ दे दी है साहब ये क्रिमिनलों को, ऐसी सज़ा होना साहब तेलंगाना हुकूमत में फिर कभी रिकॉर्ड नहीं होना, इसके साथ मोहम्मद भी इन्वॉल्व है साहब इसमें, और उसका दामाद मोहम्मद बोलो जो पूरा नाम है, सरवर है उसका दामाद, सरवर उन्हें है साहब, और जाकिर है साहब, और उसके साथ चार पांच जने हैं साहब, ये लोग नबी भी है, ये पॉलिटिकल पावर है कहते, ये लोगों के पीछे बहुत बड़ी गैंग है कहते साहब, ये लोग PS मैनेज कर लेते हैं, हम ऐसा करते ऐसा करते, बड़े बड़े बातें भी मालूम हो रहे साहब हमारे को PS पे भरोसा है, हमारे को तेलंगाना हुकूमत पे, तेलंगाना पुलिस साहब से हमारे को भरोसा है साहब, ये हक में न्याय में फैसला होगा साहब, न्याय होगा, हमारे को न्याय होना साहब, ये लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होना, आइंदा दोबारा किसी माँ बाप के साथ किसी बच्चे के साथ ये तकलीफ़ नहीं होना साहब, ये तकलीफ़ नहीं होना, अदबन गुजारिश है मेरे से बस, आइंदा कभी क्रिम ऐसा नहीं होना साहब, 10 मिनट में मेरे बच्चे की जान ले लिए, मेरे जिगर का टुकड़ा था। మా TV11 న్యూస్ ఛానల్ వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి। नाज़रीन ये थे आज की उर्दू खबरें, तेलुगु और उर्दू खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, पॉलिटिकल पंच और क्राइम न्यूज के लिए और खसूसी प्रोग्राम के लिए देखते ही रहिए TV11। मैं हूँ सैयद हबीब, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।